अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 के स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस स्मार्ट सिलेबस में शामिल है जो मैं सॉल्व करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रेशन 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इसको हमने सबसे पहले तो सॉल्व करना है सिंपल, जिस तरह हम सॉल्व करते थे, उसके बाद जो है उसकी लिमिट्स पुट करनी है। तो देखें, इंटीग्रेशन 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये गाइड कर दूं कि आप इसकी इंटीग्रेशन को सेपरेट ना कीजिएगा। जैसे हम आम क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देते थे, तो यहाँ पे आप लोग इंटीग्रेशन सेपरेट ना करें। इससे ये होगा कि लिमिट जो है वो आप एक ही दफ़ा पुट करेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन को सेपरेट आपने नहीं करना। तो इसको मैं लिखूँगा, अब इंटीग्रेशन करने लगे हैं, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स क्यूब ओवर 3, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स। ठीक है, ये आपने इंटीग्रेशन कर ली और ये आपकी लिमिट्स जो थी 2 और 1 वो इसके ऊपर लिख देते हैं, 2 और 1। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अपर माइनस लोअर, मैंने आपको ये बताया था, अपर लिमिट लिखेंगे पहले, पुट करेंगे आप, ठीक है, उसके बाद माइनस लिखाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट आप अपने जो फंक्शन है उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अपर लिमिट है 2 और लोअर लिमिट क्या है, 1 है। तो पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, हर एक्स की जगह पे आपने क्या पुट करनी है, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट 2 है, तो 2 की पावर 3 ओवर 3 प्लस 2 ब्रैकेट, दरमियान में माइनस, फिर उसके बाद है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट के लिए हर एक्स की जगह पे क्या आएगा, 1 की पावर 3 ओवर 1 3 प्लस 1। इसको अब हमने क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई करना है, अपर माइनस लोअर, तो इज इक्वल टू 2 की पावर 3 8 ओवर 3 प्लस 2 माइनस 1 ओवर 3 प्लस 1, मैंने ब्रैकेट्स भी ओपन कर दी है। इसके बाद बेटा आप लोगों ने एलसीएम लेना है, 2 प्लस का है, ये 2 प्लस का और ये प्लस 1, बल्कि यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, माइनस, ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस आएगा। तो 8 बाय 3 माइनस 1 बाय 3, 2 माइनस 1, तो प्लस का 1, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 8 बाय 3 माइनस 1 बाय 3, तो एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा, 8 माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा जी, 8 प्लस 3 और ये 10 ओवर 3, ये हमारा आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है इंटीग्रेशन माइनस 1 से 1 एक्स की पावर 1 बाय 3 प्लस 1 डी एक्स। ये है क्वेश्चन नंबर 2, स्मार्ट सिलेबस वाले ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सेपरेट नहीं करना, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करनी है और ब्रैकेट यूज़ कर लें आप, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसके ऊपर लिख लें ब्रैकेट, और एक्स की पावर क्या है, 1 बाय 3 है, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, 1 बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 3 प्लस 1, जो पावर रूल हम पढ़ते रहे हैं, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स। इसको पहले अच्छी तरह सिंप्लीफाई कर लें और उसके बाद आप क्या कर दें, इसके अंदर लिमिट पुट कर दें, इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो स्टेप हमारा लास्ट में होगा। अब हम लिमिट पहले इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लें, एक्स की पावर 1 बाय 3 प्लस 1, तो ये आएगा एक्स की पावर, एलसीएम लेंगे बेटा, ये 3 वन ज़ा 3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 बाय 3 प्लस एक्स, इसको ही सिंप्लीफाई करना है आपने, इक्वल टू माइनस 1 से 1 एक्स की पावर ऑफ 4 बाय 3 डिवाइड बाय 4 बाय 3, तो वो डिवाइड जो हो रहा है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 बाय 4 एक्स की पावर 4 बाय 3 प्लस एक्स। इसके बाद आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, अपर लिमिट आपकी 1 है और लोअर लिमिट जो है वो आपकी क्या है, माइनस 1 है। तो हर एक्स की जगह पे आप लिमिट पुट करेंगे, ब्रैकेट 3 बाय 4 एक्स
एक्स की जगह पे अब हम क्या ले रहे हैं, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हमारी 1 है, 1 की पावर 4 बाई 3 प्लस 1, एक्स की जगह पे लिखा हमने, दरमियान में माइनस, फिर लोअर लिमिट हर एक्स की जगह पे आपने क्या पुट करना है, माइनस 1 पुट करना है, ठीक है। तो ये आएगा 3 बाई 4 माइनस 1 की पावर 4 बाय 3 प्लस और फिर माइनस 1। इसको अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो बच्चों 1 की पावर कुछ भी हो वो क्या होती है, 1 ही होती है। तो ये तो आ गया आपका 3 बाय 4 प्लस 1, लेकिन इसको देखते हैं ये क्या आएगा, ये 1 मैंने ये वाला लिखा प्लस 1, माइनस 3 बाय 4 माइनस 1 की पावर 4 बाय 3, ऊपर इवन नंबर हो तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या आएगा बेटा, 3 बाय 4 वो माइनस का, माइनस 1 जो है वो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, और फिर ये वाला माइनस जो है, ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, प्लस 1। देखें यहाँ पे 3 बाय 4 3 बाय 4 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटे आपके पास, प्लस का 2, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिमिट दी हुई है माइनस 2 से 0, ये दी हुई है हमें 1 बाय 2 एक्स माइनस 1 होल का स्क्वेयर। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आप लोग इस टाइप के पहले भी कर चुके हैं बिल्कुल वैसे ही। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, माइनस 2 से 0, 2x माइनस 1 तो हम उसको ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 होल की पावर 2 था तो ये क्या हो जाएगी, माइनस 2 dx। अब देखें हमारे पास यहाँ पे एक रूल लगेगा जिसके साथ जो हमने यहाँ पे बनाना है पावर रूल जिस तरह होता है, तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा। फंक्शन का डेरिवेटिव देखें, 1 का 0 है और 2x का क्या होगा, 2 होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम उस 2 को लेके आ रहे हैं, देखिएगा जरा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 2 से 0, ठीक है, 2x माइनस 1 होल की पावर माइनस 2 dx। अब 2 को हमने लेके आना, कैसे लेके आना बेटा, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी, तो ये 1 बाय 2 बाहर और ये 2 अंदर आ गया। तो अब देखें, अब फंक्शन का डेरिवेटिव साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें इंटीग्रेशन करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो माइनस 2 ऊपर क्या है 0, अपर माइनस लोअर, इसके बाद आएगा स्टेप। अब क्या है, स्टेप क्या आएगा बेटा, 2x माइनस 1 इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी पावर से क्या कर देंगे, डिवाइड। देखिए बेटा, हमने जब ऐड करना है तो फिर क्या होगा, माइनस 2 था तो प्लस 1 जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 1 बाय 2, ये लिमिट से आज़ाद है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हर x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 0, अपर लिमिट आपकी 0 है तो 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1, ये आपने अपर लिमिट पुट कर दी, दरमियान में माइनस, फिर लोअर लिमिट हर x की जगह पे क्या होगा जी, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1, ये आपने क्या पुट कर दी, लोअर लिमिट पुट कर दी। यहाँ पे छोटी सी एक आपको, बल्कि हाँ ठीक है, ये आपने लिमिट्स पुट कर दी हैं और इसकी पावर भी माइनस 1 है, इसकी पावर भी क्या है, माइनस 1 है, ठीक है। और बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गौर नहीं किया, मुझे थोड़ा सा, ये माइनस 1 जो है ये आपका आज़ाद है किससे, इस पावर माइनस 1 से। अच्छा जी, अब क्या होगा, एक और चीज़ के यहाँ पे आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी, क्योंकि 1 बाय 2 जो है वो भी आपका लिमिट में शामिल नहीं था, इज इक्वल टू 1 बाय 2, इसको सिंप्लीफाई करें, 2 0 0 माइनस 1 से माइनस 1 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बल्कि सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आप इसका पूरे का क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम माइनस 1 और ये डिवाइड हो रहा है माइनस 1 से, बल्कि आप ब्रैकेट अभी क्लोज ना करें, ब्रैकेट जो है वो बाद में क्लोज करेंगे, डिवाइड बाय माइनस 1, फिर अपर ये हमने किया सिंप्लीफाई, इसके बाद है माइनस लोअर, 2 टू द 4 माइनस 1, तो ये कितना आएगा बेटा, माइनस का 5 डिवाइडेड बाय माइनस 1, और ब्रैकेट आपने क्या कर देनी है, क्लोज कर देनी है, और इसके ऊपर पावर जो रहती है वो माइनस 1 रहती है, इसकी पावर हमने क्या कर दी है, खत्म कर दी है, क्योंकि वो माइनस 1 ही होगा, इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो ये आया 1 बाय 2, माइनस 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आएगा सिर्फ और सिर्फ 1, माइनस
फाइव की पावर माइनस वन तो वो नेगेटिव है, नीचे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव फाइव जो है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस वन ओवर माइनस फाइव। तो ये प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू वन बाय टू वन माइनस वन ओवर फाइव। अब इसका हम एलसीएम लेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे इज इक्वल टू वन बाय टू फाइव माइनस वन ओवर फाइव, फाइव माइनस वन फोर हो जाएगा तो ये आएगा जी वन बाय टू इंटू फोर ओवर फाइव। तो टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, यहाँ पे आप टू ले आएंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है इज इक्वल टू टू बाय फाइव। ये आपका बेटे आंसर था। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करने लगे हैं, ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन इंटीग्रेशन माइनस सिक्स से टू थ्री माइनस एक्स स्क्वायर रूट लिखा हुआ है तो हम उसको वन बाय टू लिख सकते हैं डी एक्स। इसमें भी हमने पावर रूल अप्लाई करना है तो थ्री माइनस एक्स इसका डेरिवेटिव देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे हम देखें गौर से तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो और एक्स का क्या होगा माइनस वन होगा, ठीक है। तो साथ हमें माइनस वन चाहिए तो यहाँ पे हम माइनस वन ले आते हैं, एक माइनस इधर लगा लें बेशक माइनस वन और एक माइनस आपको बाहर लगाना पड़ेगा इज इक्वल टू माइनस एक जो है वो बाहर और इसकी इंटीग्रेशन करने लगे हैं और ये आपकी लिमिट्स हैं माइनस सिक्स से टू। अब इसकी इंटीग्रेशन होगी थ्री माइनस एक्स की तो क्या होगा बेटा थ्री माइनस एक्स इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे उससे डिवाइड कर देंगे वन बाय टू प्लस वन डिवाइड बाय वन बाय टू प्लस वन और ब्रैकेट आप क्या कर दें क्लोज कर दें। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद आखिर में आपने इसकी क्या कर देनी है लिमिट पुट कर देनी है इज इक्वल टू माइनस वन बाहर माइनस सिक्स और ऊपर क्या है टू थ्री माइनस एक्स होल की पावर वन बाय टू प्लस वन तो ये बनेगा थ्री माइनस एक्स की पावर थ्री बाय टू और नीचे भी क्या आना है थ्री बाय टू आना है। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ बच्चों ताकि आपको कहीं पे ये ना हो कि पता नहीं ये स्टेप कैसे हो गया, सवाल पूछने की गुंजाइश आपके लिए नहीं होगी इंशाल्लाह। तो ये माइनस सिक्स होल की पावर टू थ्री बाय टू तो ये जाके क्या हो जाएगा ऊपर टू बाय थ्री थ्री माइनस एक्स की पावर थ्री बाय टू ब्रैकेट क्लोज। आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब आपने लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट टू है और लोअर लिमिट क्या है माइनस सिक्स है तो आपने डायरेक्ट आपने इसमें लिमिट ही पुट करनी है तो इज इक्वल टू माइनस वन जो है वो आपका बाहर है उसको आपने कुछ नहीं कहना इज इक्वल टू अपर माइनस लोअर। तो हर एक्स की जगह पे हम अपर पुट करेंगे फिर ब्रैकेट माइनस फिर हर एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे लोअर पुट करेंगे, ठीक है। और इसकी बेटा पावर क्या है थ्री बाय टू है, थ्री बाय टू होल की पावर थ्री बाय टू और ये टू बाय थ्री जो है इसको आप बाहर निकाल लें तो ये बन जाएगा माइनस का टू बाय थ्री। इसको मैं जरा ऐसे लिख देता हूं टू बाय थ्री माइनस का। अब आपने लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट हमारी क्या है जी टू है थ्री माइनस टू और लोअर लिमिट क्या है थ्री माइनस और फिर माइनस सिक्स, ये हमारी लोअर लिमिट है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, ये बाहर रहेगा इसको हमने अंदर नहीं लेके जाना, ये आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी थ्री बाय टू ये आपके पास वन आ गया, वन की पावर थ्री बाय टू माइनस माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस सिक्स और थ्री कितना हो जाएगा नाइन हो जाएगा, नाइन की पावर थ्री बाय टू और ये आपका किस में ब्रैकेट में वन की पावर थ्री बाय टू, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी वन की पावर थ्री बाय टू हो या कुछ भी हो तो ये बेटा वन ही होता है इसको हम वन ही लिखेंगे लेकिन नाइन की पावर थ्री बाय टू, ठीक है। तो पहले नाइन की पावर थ्री सॉल्व होगी फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा सॉल्व होने के बाद ट्वेंटी सेवन, ठीक। अब इसको मजीद हल करें इज इक्वल टू माइनस टू बाय कितना आ जाएगा माइनस का ट्वेंटी टू बाय थ्री माइनस का ट्वेंटी सिक्स आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा
ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आएगा 52 डिवाइडेड बाय 3, अगर ये कैंसिल होता है तो ठीक, नहीं तो ख़त्म काम। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हमारे पास ये भी पावर रूल से ही होगा, सिंपल इंटीग्रेशन है जैसे कि हमने 3.2 में की थी। तो यहाँ पे हमारे पास देखें पावर, अगर हम थोड़ा सा सॉल्यूशन, पावर हमारे पास है 1/2, तो ये फंक्शन हो जाएगा, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल की पावर 1/2 एक्स डी एक्स। बच्चों तो यहाँ पे किस चीज़ की कमी है उसको देखें ज़रा, ये देखें अगर ये फंक्शन है तो इसकी डेरिवेटिव की बात करें तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2, तो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होना चाहिए, एक्स है लेकिन 2 नहीं है, तो यहाँ पे हम 2 और ये 1/2, ये आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है, इसी स्टेप में नहीं करना, इज इक्वल टू 1/2 आपका कॉन्स्टेंट, इसको बाहर रखें। अब इसकी इंडिकेशन करेंगे बाय पावर रूल और लिमिट को हम इस ब्रैकेट पे लिख लेते हैं 2√5 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे, 1/2 प्लस 1 3/2, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो, 3/2 और ब्रैकेट क्या हो जाएगी क्लोज, ठीक है। ये स्टेप हम पहले भी आप कर चुके हैं, 1/2 2√5 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2, तो ये नीचे वाला 3/2 जो है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2 और ये ब्रैकेट क्या हो गई क्लोज। अब हमने इसमें लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसको सिंप्लीफाई करना है, इक्वल टू 1/2, 1/2 को आपने बेटा बाहर रहने देना है, इसको आपने कुछ नहीं कहना, और इधर से 2/3 जो है वो भी बाहर आ रहा है, उसको भी आप क्या लें बाहर लें। इसके बाद ब्रैकेट में 2√5 लिख लें और ये आपकी जो फंक्शन की इंटीग्रेशन की थी कि वो इंटीग्रेशन है। अब आपने लिमिट पुट करनी है, इज इक्वल टू जो कैंसिल हो रहा है उसको बेटा साथ साथ ही करते जाएं, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3 अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट क्या है √5 है, तो देखें हर एक्स की जगह पे आप क्या पुट करेंगे √5 का स्केयर माइनस 1 होल की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट, हर एक्स की जगह पे 2 पुट करना है तो 2 का स्केयर माइनस 1 इसकी पावर भी कितनी होगी 3/2 और ये आपकी क्या होगी ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 1/3 स्केयर से स्केयर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 5 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 4 की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज कर लें इसकी, माइनस 2 जस 4 माइनस 1 कितना आएगा बेटा 3 की पावर 3/2 और ये आपकी ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 की पावर 3/2 तो इसको जब अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 2 की पावर 2 2 से 2 कैंसिल, तो बाकी आ गया 2 की पावर 3 तो ये आएगा बेटा सिंप्लीफाई होने के बाद की बात कर रहा हूँ 8 आ जाएगा, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें दूसरी टर्म को तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद आएगा 3√3 क्योंकि ये मजीद हल नहीं हो सकता, ये ही आपका क्या है आंसर है, इसको मजीद हल नहीं किया जा सकता, ये है आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स था। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में हमारे पास देखिए बेटा जो रूल था पावर रूल, उसके बाद हमने एक रूल पढ़ा था कि लॉ कब लगता है, तो वो था कि नीचे अगर हमारे पास फंक्शन हो और ऊपर उसका क्या बन जाए डेरिवेटिव बन जाए तो हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे लॉग लगाएंगे, तो यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, इंटीग्रेशन 1 से 2 दी हुई है, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स को अगर मैं ऐसे लिख लूँ 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना पड़ेगा, देखें क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x है, तो एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये बेटा मैंने मल्टीप्लाई वाला और डिवाइड वाला लिया, 1/2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे, साथ हमारे क्या है dx। अब देखिए नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट आप इसकी इंटीग्रेशन कर लें क्या आएगा 1/2, फार्मूला मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला भी मेंशन करना हो तो कर सकते हैं, 1 से 2 ये आ गई लिमिट आ गई, log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2
ये जी आपके पास इंटीग्रेशन हो गई। लिमिट पुट करनी है इज इक्वल टू 1/2 अपर माइनस लोअर, तो लॉग ऑफ 2 का स्केयर प्लस 2, ये अपर लिमिट पुट कर दी माइनस लोअर, लॉग ऑफ 1 का स्केयर प्लस 2 और ब्रैकेट क्लोज, 2 का स्केयर 4, 1/2 लॉग ऑफ 6 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 2, तो ये कितना आएगा 3, ब्रैकेट को क्लोज रखें, इज इक्वल टू 1/2। लॉग की बेटा हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर माइनस होगा तो उसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लॉग ऑफ 6/3 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये बेटा 3 1 3 3 2 6 ये कैंसिल हो जाएगा और यही सिंप्लीफाई हो चुके, और ये आपका आंसर है 1/2 लॉग ऑफ 2, ये बेटे आपका क्या है आंसर है, क्वेश्चन नंबर था 7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन डायरेक्ट करने से बजाय हमारे पास पावर दी गई है, तो हम सबसे पहले जो है वो पावर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये पावर एक्सपेंडेबल है, तो स्केयर खोलेंगे, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab, तो वो ए बी की बजाय क्या आएगा जस्ट 2 आएगा, x से 1/x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आप इसकी क्या कर लें इंटीग्रेशन कर लें, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 3, इसको मैं एक दो बार लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 2 है तो उसको जाके ऊपर क्या कर लेंगे -2 -2 dx। अब इसकी इंडिकेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर की इंडिकेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर की होगी जी ब्रैकेट लगा लें 2 से 3, एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब ओवर 3 ये आ जाएगा, प्लस इसकी इंडिकेशन क्या होगी एक्स की पावर -1/-1, और -2 की इंडिकेशन क्या होगी 2x। मैंने आपको कहा था इंटीग्रेशन आपने सेपरेट नहीं करनी, तो सेपरेट ना कीजिएगा से आप लोगों का सवाल और लेंथी हो जाएगा। 2 से 3 एक्स क्यूब ओवर क्यूब यानी 3 नीचे आएगा, और -1/x -2x ये बेटा मैंने इंटीग्रेशन कर दी है। इसके बाद लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट हमारे पास 3 है और लोअर लिमिट 2 है, तो ये आपका असाइनमेंट है, ये आपने खुद करनी है और मुझे सॉल्व करके भेजना है कि इसका आंसर क्या आता है। तो इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, हमने आज 9 पार्ट करने हैं, कल इंशाल्लाह बाकी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा नज़र आ रहा है देखने में, लेकिन घबराए नहीं, मैं करवाता हूँ, देखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन -1 से 1, इसका एलसीएम ले लें बेटा, इस चीज का क्या ले लें एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई होगा 2x + 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2। देखने में बड़ा अजीब सा सवाल था लेकिन बिल्कुल आसान और सादा सा सवाल है, इसमें पावर रूल ही अप्लाई होगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 1। ये जो 2 है कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जो इसको हम बाय ले आते हैं, और इसको ज़रा तरतीब से लिख रहा हूँ मैं, जो पावर थी मैंने इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, यहाँ पे मैंने मिस नहीं लिखा, ये 1 आ जाएगा, तो उसकी पावर है 1/2, तो 7 क्या है इसके बेटा 2x + 1। ज़रा गौर से देखें हुआ क्या है, हुआ ये है बेटा कि अगर ये फंक्शन है सारा और ये फिर उसका क्या है डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये हमने जो कंडीशन है वो बना ली है। अब इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा, तो बेटा 1/2 इंटीग्रेशन को ब्रैकेट में तब्दील कर दो -1 से 1, अब पावर में एक ऐड करेंगे उससे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसकी पावर में एक ऐड करें, 1/2 में एक ऐड करें तो क्या आएगा बेटा, इतनी दफा कर लिया 3/2, और ये क्या होगा 3/2 और ब्रैकेट क्लोज होगी। इसको भी आपने खुद सिंप्लीफाई करना है और मुझे चेक करवाना है, ठीक है। 1/2 को इधर 3/2 है तो उसको बाहर निकाल लें, वो हो जाएगा 2/3 और -1 से 1, ये मैंने बिल्कुल आसान सा एक स्टेप कर दिया है, जो बाकी रहता है वो आप खुद करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, बस इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और मुझे चेक करवाने हैं। 2 क्वेश्चन जो है वो आपको असाइनमेंट्स के तौर पे दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 29-30 जितने भी क्वेश्चन हैं बाकी, ये जो स्मार्ट सिलेबस के हैं 29 तक, ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अपना मेरा बेटा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।